को मेरी बोर्ड एग्जाम है। यस मैम, यस मैम, बीच बीच में हो सकता है बेटा हमारा नेटवर्क का ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो हो सकता है वॉइस में नहीं भी है। ठीक है, चलो आज हम लोग जो पार्ट पढ़ रहे थे, बाकी है जो रीड क्लियरिटी, इस पार्ट को मैं पढ़ बता रही थी कल आप लोगों को, तो इसको मैं आप लोगों को आज कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, कल काफी स्टूडेंट इस तरह से बोल रहे थे मैडम हम लोग का ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, तो नेटवर्क इशू हो जाता है इसलिए कभी कभी ज्वाइन नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसके आगे का। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा? यस मैम, यस मैम, स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं आगे राम स्वरूप जी बोलते हैं, कल हमने जब देखा था तब उसमें क्या हो रहा था, राम स्वरूप जी हैं, गोपाल प्रसाद जी हैं और उनकी पत्नी है प्रेमा। राम स्वरूप और प्रेमा जो है दोनों पति पत्नी है, इनकी पुत्री का नाम है उमा, और गोपाल प्रसाद जी और शंकर ये दोनों पिता और बेटे हैं। गोपाल प्रसाद पिता हैं और शंकर जो है उनके बेटे हैं, जो राम स्वरूप और प्रेमा के घर आते हैं उनकी बेटी उमा को देखने के लिए। तो उसी के आगे यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। राम स्वरूप जी हाँ यह तो है ही, मतलब कल वो लोग बता रहे थे कि पहले के समय में क्या होता था, 12 घंटे जब हम यदि सीट पर बैठ गए तो मतलब ये कि वहीं पर बैठे रहते थे, उठना नहीं होता था, इतनी पहले जैसे पहले पढ़ाई होती रहती थी। अब मतलब पहले की पढ़ाई में मैट्रिक और अंग्रेजी पढ़ना और उतने पराठेदार बोलना वो आज के एमए के मुकाबले नहीं हो सकता करती। ठीक है, तो आगे देखते हैं। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, गोपाल प्रसाद जी जो है वो कौन है, जो लड़का शंकर है उसके पिता का। माफ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है तो जब्त करना मुश्किल हो जाता है। मतलब ये बोला जा रहा है कि वो समय की जब बात आती है तब हम उस बात को मतलब बोले बगैर नहीं रह सकते। राम स्वरूप जी, राम स्वरूप बोलते हा हा हा, मतलब हंसते हुए बोलते जी हाँ वो तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना, हा हा करके शंकर भी ही करता है, मतलब वो हंसते हुए बोलते हैं और जो लड़का शंकर है वो भी हंसते हुए बोलता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात हो जाए, मतलब गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं अपना आवाज जो है उसको चेंज करते हुए बोलते हैं, अच्छा तो साहब अब बिजनेस की बातचीत कर लेते हैं। राम स्वरूप चौंक कर, बिजनेस, बिजनेस समझ कर, अच्छा अच्छा लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए, उठते हैं। राम स्वरूप चौंक कर बोलते हैं कि बिजनेस की बात मतलब क्या, तब वो कुछ समझते हैं और फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है पहले हम नाश्ता कर लेते हैं। गोपाल प्रसाद जो है वो यहाँ उठते हैं, अब सब यह सब आप क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं, मतलब जब भी हमारे घर कोई आता है हम बोलते हैं नाश्ता चाय के लिए, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हम ये सब नहीं करेंगे, तो वही ये सब बोल रहे हैं कि आप ये सब तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं। राम स्वरूप जी बोलते हैं, राम स्वरूप हंसते हुए, तकल्लुफ किस बात का है, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ हाँ माफ कीजिए गजरा, अभी हाजिर हुआ अंदर जाती, मतलब राम स्वरूप जो है हंसते हुए बोल रहा है कि इसमें तकल्लुफ किस बात की है, ये तो मेरी तकदीर है, मेरा मतलब बोल सकते हैं कि मेरी तकदीर इस तरह की है कि आप मेरे घर तशरीफ लाए, मतलब आप मेरे घर आए हैं, नहीं तो मैं इस काबिल कहाँ कि आप मेरे घर आए। अब बोलते माफ कीजिए और मैं वो अंदर चले जाते। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। गोपाल प्रसाद लड़की देखने आए हैं तो वो थोड़ी धीरे धीमे आवाज से अपने बेटे से बोलते हैं कि आदमी तो अच्छा है, मकान जो है वो भी हैसियत के हिसाब से ठीक ही है, अब देखते हैं लड़की कैसी है। शंकर जी कर, शंकर जो उनका बेटा है वो जी कुछ खकार कर इधर उधर देखता है। अब गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं क्या हुआ शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुक कर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो तो कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं शंकर की बैठो। यहाँ पर एक गोपाल प्रसाद जो अपने बेटे के साथ आया है, उनका बेटा जो है वो झुक कर बैठा हुआ था, तो वो बोलता है अपने बेटे से कि तुम झुक कर क्यों बैठे हो, कमर सीधी करके ही बैठो, तुम यहाँ लड़की देखने आए हो, तुम्हारे दोस्त तुमको ये बोल रहे हैं। बैकबोन, बैकबोन मतलब जो रीढ़ की हड्डी हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, तो वही जो बैकबोन जो है वो उसकी झुकी हुई है। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं और हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। अब वो हाथ में चाय की ट्रे लेकर आते हैं और मेज पर जो नीचे टेबल है उस पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं, मतलब आप माने नहीं, आप ऐसा तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं। राम स्वरूप
चाय प्याले में डालते हुए और हंसते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? अब राम स्वरूप जी उनसे बोलते हैं कि आपको चाय जो है वो विलायती पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसन्न, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध आधी चाय दीजिए और चीनी भी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नाश्ता फैशन पसंद नहीं, एक तो वैसे ही चाय में काफी पानी होता है, फिर चीनी भी इनाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। अब गोपाल प्रसाद अपने चाय पीने का तरीका बता देते हैं कि मुझे आधा दूध आधी चाय दीजिए, चीनी ज्यादा डालिए मतलब शक्कर ज्यादा डालिए, मुझे फैशन वाली चाय पीने की आदत नहीं है और चाय में वैसे ही पानी बहुत ज्यादा होता है, यदि इसमें शक्कर भी हम थोड़ी सी डालेंगे तो चाय का मजा नहीं आएगा। अब राम स्वरूप हंसते हुए कहते तो आप सही है और प्याला चाय का प्याला उनको पकड़ा देते। इतना सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट पेज आपको मैं बता रही हूँ। देखते हैं अगला पेज। अगले पेज में आपको बताया गया है, एक मिनट रुकिए आप लोग। गुड आफ्टरनून मैडम। मैडम गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। माइक म्यूट करिए। ओके मैम। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि यदि टैक्स लेना है तो मतलब सिर्फ एक ही प्रकार का टैक्स लेना चाहिए। अब राम स्वरूप यहाँ पर बोलता है, राम स्वरूप क्या बोल रहा है कि आखिर कौन सा टैक्स? शंकर को प्याला पकड़ाते हुए वह क्या? राम स्वरूप जो लड़की के पिता है वो शंकर को चाय का प्याला पकड़ाते हैं और बोलते वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, मतलब गोपाल प्रसाद जो है वो क्या बोल रहा है, राम की खूबसूरती पर टैक्स लगना चाहिए। ये सुनकर राम स्वरूप और शंकर जो है दोनों हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले भी चू ना करेंगे, बस शर्त यह है कि औरत पर यह छोड़ दिया जाए और अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के मापिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार को की कैसे आमदनी बढ़ती है। मतलब यहाँ पर यह बोल रहे हैं कि जरा भी ऐसा टैक्स है कि जिसको देने के लिए कोई चू भी नहीं करेगा, आराम से दे देगा, बस यह जो यह शर्त है कि औरत पर यह छोड़ दिया जाए, वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के मापिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। मतलब यहाँ पर है कि जो जितना ज्यादा सुंदर होगा, मतलब औरतों पे यदि इसको देखा जाए तो जितना जो जितनी सुंदर होगी औरत को उतना ज्यादा टैक्स देगी, यदि औरत पर ये छोड़ दिया जाए कि वो खुद ही अपना टैक्स तय कर ले कि मैं कितनी सुंदर हूँ तो मैं कितना टैक्स दूंगी, तो इस प्रकार सरकार की आमदनी जो है वो बढ़ सकती है। अब राम स्वरूप बोलते हैं जोर 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 से हंसते हुए बोलते, वाह वाह खूब सोचा आपने, वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढंग हो गया है, हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी ना था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरह बढ़ाते हुए लीजिए। मतलब राम स्वरूप जो लड़की के पिता है वो हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ आजकल ये सब ज्यादा चलने लगा है, हमारे जमाने में तो खूबसूरती का कोई सवाल उठता ही नहीं था। अब गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब कभी नहीं, गोपाल प्रसाद जो है वो समोसा को उठाते हैं और बोलते हैं कि कभी नहीं, मतलब हमारे समय में खूबसूरती का कोई सवाल होता ही नहीं था। राम स्वरूप
शंकर की तरफ मुखातिब होकर आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू, क्या ख्याल है? मतलब राम स्वरूप जो है वो शंकर की तरफ मुंह करके बोलते हैं कि आपका क्या ख्याल है राम स्वरूप किस मामले में? राम स्वरूप यही की शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। राम स्वरूप जो लड़की के पिता है वो शंकर से पूछ रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं खूबसूरती के बारे में, कि मतलब खूबसूरती को कितना हिस्सा देना चाहिए। गोपाल प्रसाद बोलते हैं बीच में ही यह बात दूसरी है कि बाबू राम स्वरूप मैंने आपसे पहले ही कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए जाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाए मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती, आपकी लड़की तो ठीक है। अब गोपाल प्रसाद जो है वो अपने राम स्वरूप ने उस लड़के से पूछा था, लेकिन गोपाल प्रसाद जो लड़के के पिता है वही जवाब दे देते हैं। क्या बोल देते हैं कि आज के जमाने में लड़की जो है वो खूबसूरत होनी ही चाहिए, हम और आप समझ जाएंगे लेकिन बाकी लोग जो घर की औरतें हैं वो इस बात को नहीं समझती, और यदि लड़की खूबसूरत नहीं हुई तो वो राजी भी नहीं होगी, आपकी लड़की कैसी है लड़की। राम स्वरूप जवाब देते हैं जी हाँ वह तो आप देख लीजिएगा, मतलब राम स्वरूप बोलते हैं ठीक है आप देख लीजिएगा। उसके बाद गोपाल प्रसाद देखना क्या है, जब आपने इतनी जब आपसे इतनी बात हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। राम स्वरूप बोलते हैं हंसते हुए बोलते हैं यह तो आपके ऊपर मेरी भारी एहसान है, मतलब गोपाल प्रसाद बोलते हैं आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है मतलब समझ जाइए कि रस्म ही है, और हंसते हुए बोलते हैं कि आपके ऊपर मेरा एहसान है गोपाल प्रसाद। और जायका तो मिल ही होगा, मतलब जायचा तो मिल ही गया होगा, जायचा मतलब यहाँ पे जन्मपत्री जो लड़का और लड़की दोनों की बनती है उसको बोल रहे हैं कि ये दोनों मिल ही जाएगा। राम स्वरूप जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो जन्मपत्री का मिलना क्या बड़ी बात होगी, ठाकुर जी मतलब भगवान के चरणों में यदि रख दिया जाए तो खुद ही जन्मपत्री मिल जाती है। गोपाल प्रसाद यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों को भनक पड़ी है यह गलत है ना। मतलब गोपाल प्रसाद ही बोलते हैं कि थोड़ी देर रुक कर सोचते हैं और बोलते हैं कि मेरे कानों में कुछ भनक लगी थी, मतलब मुझे कुछ पता चला था, क्या यह गलत है क्या? राम स्वरूप चौंक कर, मतलब वो सोचते कि क्या पता चल गया इनको, चौंक कर क्या करके बोल देते हैं। ठीक है इसके आगे का देखते हैं। देखते हैं आप आगे। अब गोपाल प्रसाद जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो गोपाल प्रसाद है जो अपने लड़के के लिए लड़की देखने आए हैं, तो लड़का तो कॉलेज में पढ़ रहा है उसका एक आध दो साल और बाकी है पढ़ाई खत्म होने का, लेकिन उनको लड़की जो है वो क्या चाहिए, सिर्फ मैट्रिक पास चाहिए। पहले दसवीं बारहवीं जब से टेंथ और ट्वेल्थ पढ़ लेते थे तो वो मैट्रिक हो जाता था, तो उससे ज्यादा उनको पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की ज्यादा होगी तो मेम साहब बन जाएगी तो और उनके नखरों को कौन सहन करेगा, इस तरह से। अब यहाँ पर बोलता है क्यों शंकर, शंकर जवाब देता है जी हाँ कोई नौकरी तो करनी नहीं है, मतलब लड़की से हमको कोई नौकरी जो है नहीं करवानी है। राम स्वरूप बोलते हैं नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। राम स्वरूप जो लड़की के पिता है वो बोलते हैं हाँ ठीक है नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद बोलते हैं और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए, भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है, अरे मर्दों का काम तो है ही है पढ़ना और काबिल होना, अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी तब तो हो चुकी गृहस्थी। जना मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। मतलब यहाँ पर गोपाल प्रसाद जो लड़के का पिता है उसकी सोच कितनी बुरी है, मतलब वो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा बीए एमए तक पढ़ा हुआ है लेकिन मुझे लड़की जो है वो ग्रेजुएट नहीं चाहिए, ग्रेजुएट मतलब ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। अब वो बोलता है कि अकल के ठेकेदारों से कोई क्या बताए कि लड़की जब ज्यादा पढ़ लिख लेगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ेगी, पॉलिटिक्स वगैरह में जाएगी तो गृहस्थी कौन संभालेगा। अब वो बोलते हैं कि मोर के पंख होते हैं लेकिन मोरनी के नहीं, मतलब मोर का मतलब ये है कि आदमी चाहे तो उड़ सकता है लेकिन औरत जो है वो घर से बाहर नहीं जा सकती। शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं, मतलब शेर जो है वो क्या है, एक आदमी है
वो काम कर सकता है लेकिन घर की औरत जो है बाहर काम नहीं कर सकती। अब यहाँ पे राम स्वरूप, जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है औरत की नहीं। राम स्वरूप भी हंसते हुए बोल देता है कि मर्द की दाढ़ी होती है औरत की नहीं। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाता है। शंकर जो उनका लड़का है वो हंसता है लेकिन गोपाल प्रसाद जो लड़के की पिता है वो गंभीर हो जाती है। अब गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। गोपाल प्रसाद का मतलब सोचना यह है कि अच्छा पढ़ाई लिखना, ज्यादा पढ़ना लिखना, ये सिर्फ मर्दों के लिए होना चाहिए, मतलब आदमियों के लिए होना चाहिए और लड़कियों और औरतों के लिए नहीं होना चाहिए। तब राम स्वरूप बोलते हैं शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। राम स्वरूप गोपाल प्रकाश से, आप गोपाल प्रसाद, बस साहब अब खत्म कीजिए। अब राम स्वरूप बोलते हैं, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। मतलब यहाँ पर अब बोला जा रहा है कि आप कुछ और लीजिएगा करके, तो लोग मना कर देते हैं कि आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताया वह मक्खन। मतलब मक्खन लाने उनका नौकर गया था, वो अब तक पहुंचा नहीं। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट थोड़ा भरना था, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता ही नहीं। मतलब गोपाल प्रसाद यहाँ पर बोल रहे कि सिर्फ नाश्ता ही तो करना था, कोई पेट थोड़ी ना भरना है, टोस्ट में खाता ही नहीं। राम स्वरूप जी बोलते हैं हंसते हुए, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जोर जोर से, अरे जरा पान भिजवा दो, सिगरेट मंगवाओ। मतलब राम स्वरूप जी मतलब मेज को थोड़ा सा एक्साइट करते हैं और अंदर की तरफ दरवाजे की तरफ मुंह करके बोलते हैं कि जरा पान भिजवा दो, क्योंकि पान भिजवाने के लिए किसे कहा गया था कि उनकी बेटी पान लेकर के आएगी। और फिर पूछते हैं उनसे कि क्या आप सिगरेट मंगवाओ करके। गोपाल प्रसाद जी जो है वो बोलते हैं जी नहीं, नहीं चाहिए। सभी को इतना समझ में आया? Yes, yes, ma'am. अच्छा लग रहा है इसको सुनने में? Yes, ma'am. क्या पता चल रहा है इसमें बताओ? मैम यही कि इसमें लड़के के जो मतलब लड़का और लड़के के जो पिता जो हैं उनकी सोच जो है लड़कियों के लिए वो सही है? गलत है, गलत है। मैम सही है मैम। मतलब वो क्या चाहते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए लेकिन लड़की पढ़ी लिखी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को सिर्फ घर संभालना है और लड़कों को बाहर नौकरी करना है। क्या ये सही है? यस मैम, लड़के सही है। लड़के सही है? नो मैम, नहीं है मैम, लड़के सही है मैम, पढ़ना चाहिए मैम। गलत बात है मैम। हाँ गलत बात है, दोनों को, लड़का हो या लड़की, दोनों को पढ़ने लिखने का अधिकार है, दोनों को बाहर काम करने का अधिकार है। तो इस समय ये जो ऑल आर इक्वल मैम, सब बराबर है, ऑल आर इक्वल, सभी बराबर हैं। तो वही यहाँ पे जो लड़का है और लड़के के पिता जो है उनकी सोच सही नहीं है, ये चाहते हैं कि जो लड़की हो वो सुंदर हो लेकिन ज्यादा पढ़ी लिखी ना। सुंदरता भी बताई जा रही ना उसमें, कि वो क्या बोल रहे हैं कि सुंदरता दिखाई देना चाहिए, चाहे वो नेचुरल सुंदर हो या फिर पाउडर वगैरह, क्रीम पाउडर, मेकअप लगा के सुंदर हो, लेकिन सुंदर होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे का देखते हैं। आगे देखते हैं, पानी की तस्तरी हाथ में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई, गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर संकर्षित कर उसे ताकते हैं। अब देखो ये सीन जैसे इसी तरह का सीन वहां क्रिएट हुआ होगा। ये गोपाल प्रसाद है और ये उनका लड़का बैठा हुआ है इस तरह से। तो मतलब ये जो लड़की है सिंपल से कपड़े पहन करके वो आती है, गर्दन झुकी हुई है, और जो गोपाल प्रसाद जो है वो उनको अच्छी तरह से देख रहे हैं, और उनका बेटा जो है वो उनको छिपकर मतलब ऐसे नीचे झुकी हुई नजरों से उस लड़की को देख रहा है। राम स्वरूप हंसते हुए बोलते हैं, आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दे दो। रामस्वरूप जो लड़की के पिता है वो उनसे बोलते हैं कि आपकी बेटी है करके, बेटी मुझे पान दे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को दे देती है, उस समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। अब उमा जो है जैसे ही पान की तस्तरी अपने पिता को देती है उस समय उसका चेहरा जो है थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, और उसके चेहरे पर मतलब उसके फेस पर क्या लगा हुआ था, सोने की रिंग वाला चश्मा।
मतलब जो उसकी रिंग रहती है ना, सो मतलब जैसे चश्मे का इस तरह से गोल वाला हिस्सा जो होता है उसमें सोने जैसा मतलब गोल्डन कलर का वो रहता है, और वो मतलब दोनों लड़के, लड़की और लड़के के पिता को उसका चश्मा दिखाई दे जाता है, वो दोनों एकदम चौंक कर देखते हैं। राम स्वरूप जरा शक पकाकर, जी वह तो पिछले महीने में इसकी आंखें आ गई थी तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। अब राम स्वरूप छुपाते हुए बोलते हैं कि पिछले महीने इसकी आंख आ गई थी इस वजह से इसे लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं हुआ कुछ? गोपाल प्रसाद बोलते लड़के के पिता कि पढ़ाई की वजह से तो चश्मा नहीं लग गया? राम स्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना, मतलब मैंने बताया ना कि वो चश्मा क्यों लगाती है। अब यहाँ पर गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी, गोपाल प्रसाद को लगता है ठीक है करके बैठ जाओ करके, बेटी को बोलते हैं बैठ जाओ। राम स्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा उस तख्त पर अपने बाजे के पास। राम स्वरूप जो लड़की के पिता है वो बोलते हैं बेटी को कि बेटा वहां बैठ जाओ उस तख्त पर, क्योंकि वहां बाजा भी रखा होगा। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है? अब गोपाल प्रसाद जो लड़के के पिता हैं वो उनसे पूछते हैं कि आप मतलब चलती बलती तो ठीक से हैं और उसके चेहरे पर सुंदरता भी दिखाई दे रही है, कुछ गाना बजाना हो तो बताओ करके सिखा। राम स्वरूप, जी हाँ सितार भी और बाजा भी, सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। मतलब राम स्वरूप जो लड़की के पिता है वो क्या बोलते हैं कि हाँ सितार और बाजा दोनों बजाना उसको आता है, और उमा से बोलते हैं बेटा एक आध गाना सुना दो। उमा सितार उठाती है, थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है, उसकी आंखें शंकर की झेलती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एकदम रुक जाती है। अब यहाँ पर यह है कि वो सितार उठाती है और गाना शुरू करती है जो मीरा का मशहूर गीत है मेरे तो गिरधर गोपाल करके, तो उसके गाने के स्वरों से ही लगता है कि वो बहुत अच्छा गाना गा रही है, ताकि मतलब उससे ये पता चलता है कि उसको गाने का ज्ञान है। और वो गाना गाते गाते जैसे ही आंखें ऊपर करती है तो शंकर से उसकी आंखें मिल जाती है और वो गाना जो है एकदम रोक देती है, मतलब गाना बंद कर देती है। राम स्वरूप, क्यों क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। उनका उनके पिता उनसे बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा गाना पूरा करो। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठ जाती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप, उमा कुछ नहीं बोलती। राम स्वरूप, हाँ वह तो मैंने आपको बताना ही भूल गया, यह जो तस्वीर टंगी है कुत्ते वाली इसी ने खींची है और उस पर दीवार पर भी है, मतलब जो दीवार पर फोटो वहां पर दिख रही है वो सब इसी ने खींची। गोपाल प्रसाद, हूँ यह तो बहुत अच्छा, और सिलाई वगैरह? राम स्वरूप बोलते, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी यही सिलती है करती। गोपाल प्रसाद बोलता है, ठीक है लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम जीते? अब उमा फिर चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खासते है लेकिन उमा चुप है, उस तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप सब पकाते हैं। मतलब उमा से इतने सारे प्रश्न करने पर उमा एक भी जवाब नहीं देती, उनके पिता ही सारे जवाब दे रहे हैं, तो जो गोपाल प्रसाद है वो थोड़े गुस्से में आ जाते हैं। राम स्वरूप, जवाब दो उमा गोपाल प्रसाद से। हाँ हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। अब राम स्वरूप उमा की तरफ से बोलते हैं कि हाँ वो उसने इनाम जीते हैं करके। गोपाल प्रसाद, जरा रुकी अवन में, जरा मुंह भी तो खोलना चाहिए। अब गोपाल प्रसाद जो लड़के के पिता, उनको गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं कि मुंह तो कभी खोलना चाहिए। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज में से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है वरना। मतलब उमा यहाँ पर देखो कितनी अच्छी बात बोल रही है कि जब कुर्सी और मेज को बेचना होता है तो दुकानदार और खरीदने वाला इंसान ये दोनों ही आपस में बात करते हैं। क्या कुर्सी और मेज से पूछा जाता है कि तुम्हें बिकना है या नहीं? उमा इस बात को बोल रही है। तो उमा से जब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो जवाब इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि जैसे कुर्सी और मेज, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इंसान दूसरे सामान को खरीद रहा है। जैसे वो बोलते हैं कि क्या मतलब तुम्हारी चाल तो अच्छी है, ये सब वो सब कुछ देख रहे हैं। हम किसी सामान को देखने जाते हैं, खरीदने जाते हैं तो यही चीज देखते हैं ना कि वो सामान अच्छा है कि नहीं। जैसे म्यूजिक सिस्टम खरीदने गए, म्यूजिक सिस्टम अच्छे से बज रहा है कि नहीं, उसकी बटन्स वगैरह कैसी है, अच्छे से दिखता है कि नहीं। तो यहाँ पर गोपाल प्रसाद वही उमा के साथ कर रहे थे कि तुम्हें ये काम आता है कि नहीं, तुम्हें वो काम आता है कि नहीं, तुम अच्छे से चल सकती हो कि नहीं, तुम्हारे आंखें ठीक है कि नहीं। तो उसी समय वो लड़की उमा इस तरह से यही बोलती है
कि जब हम सामान खरीदने जाते हैं, कुर्सी मेज खरीदने जाते हैं, तो सिर्फ जो सामान खरीदने वाले और बेचने वाले में आपस में बातें होती है, कुर्सी और मेज से कुछ भी नहीं पूछा जाता। राम स्वरूप मतलब चौंक कर खड़े होते, उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दो बाबूजी, यह तो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं। उनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उन्हें चोट नहीं लगती, क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। मतलब अब उमा जो है अब ऊंचे स्वर में बात करने लगी कि मुझे बाबूजी अब कह लेने दीजिए, ये महाशय जो है मेरे खरीदार बनकर आ गए हैं, ठीक है, क्या लड़कियों के पास दिल नहीं होता, क्या उन्हें चोट नहीं लगती। मतलब कोई जब उनको ये बोल दे कि आपकी लड़की अच्छी नहीं है, सुंदर नहीं है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो ये सब चीजें बोलकर क्या लड़कियों को ठेस नहीं पहुंचती, उनका दिल नहीं होता, उनको चोट नहीं लगती है क्या। ये तो जैसे भेड़ बकरियों को खरीदने के लिए जैसे कसाई जो है अच्छी तरह से देख रेख करता है, वैसे उस तरह की ये बातें कर रहे हैं। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। अब गोपाल प्रसाद जो है उनको गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं कि क्या आपने मुझे यहाँ मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है, इस तरह से वो बोलते हैं। इतना सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अच्छा लग रहा है ना पार्ट? यस मैम, इंटरेस्टिंग है, है ना। उसमें देखो लड़कियों से किस तरह से बात की जा रही है, लड़कियों को क्या समझा जा रहा है, ये बातें समझ में आती है, है ना। लड़कियों के लिए क्या क्या, मतलब पहले के समय में यही चीजें होती थी कि जब लड़कियों को कोई देखने के लिए जाता था तो सभी लोग यही है कि वो ठीक से चलती है कि नहीं, उसको साफ दिखाई देता है कि नहीं, घर का सारा काम जानती है कि नहीं, सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब कुछ आता है कि नहीं। लेकिन लड़कियों से ये नहीं पूछा जाता था कि जिस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है क्या वो तुम्हें पसंद है, क्या तुम लड़के से कुछ पूछना चाहते हो या कुछ बात करना चाहते हो कि लड़का मेरे लिए सही है या नहीं है। बस माता पिता में आपस में बात हो जाती थी और जो लड़के के पिता रहते थे वही सब चीज पूछ लिया करते थे और शादी तय कर दी जाती थी। और कई बार ऐसा होता था लड़की आते थे लेकिन लड़की में कुछ कमी है ये है करके लड़की को बोलकर या उनके माता पिता को सुनाकर चले जाया करते थे। हाँ बोलिए मैम। पुराने जमाने में मैम लड़की लोग का मैम बचपन में क्यों शादी हो जाता था, छोटे जब रहते थे तो? पहले बेटा ये बाल विवाह कर दिया जाता था कि मतलब ये था उस समय 10-11 साल की जब लड़कियां हो जाती थी तो उसी समय उनकी शादी कर दी जाती थी, ये उस समय का रूल रेगुलेशन होता था बाल विवाह, जिसको बाद में क्या किया गया, उस बाल विवाह का खंडन कर दिया गया और लड़की की एक उम्र बना दी गई कि इस उम्र से कम में यदि शादी कर दी जाएगी तो उस पर मतलब ये केस दर्ज हो जाएगा, उनको जेल हो सकती है। तो पहले ऐसा हो जाया करता था क्योंकि उस समय लड़कियों की कोई उम्र नहीं होती थी और लोग ये नहीं समझते थे कि लड़की नाबालिग है, लड़की बहुत छोटी है, तो इस समय यदि उसकी शादी कर दी जाए तो उसके ऊपर कितना ज्यादा बर्डन पड़ जाता है। पहले के जमाने के लोग ये सब नहीं सोचते थे, ठीक है। थैंक यू मैम फॉर गिविंग आंसर। मैम थैंक यू फॉर गिविंग आंसर। ओके ठीक है, अब आगे का जो है वो हम सब लोग कल पढ़ेंगे और फिर इसके अभ्यास कार्य को भी मैं कल ही आप लोग को समझाऊंगी, ठीक है। यस मैम। यस मैम।